नबी आजाद का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि डीपीएपी की तरफ से अनंतनाग राजौरी सीट से उम्मीदवार हैं गुलाम नबी आजाद, और अनंतनाग सीट को लेकर उन्होंने बड़ा बयान दिया है। मेरी सहमति के बिना मुझे मेरी पार्टी ने वहां से उम्मीदवार बनाया, ये बड़ा बयान दिया गुलाम नबी आजाद ने। मैंने अभी वहां से लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं, मेरी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव रही है, गुलाम नबी आजाद का ये कहना है। डीपीएपी सदर गुलाम नबी आजाद ने यह स्पष्ट किया है और ये बड़ा बयान अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर दिया है कि मेरी सहमति के बिना मेरी पार्टी ने मुझे वहां से उम्मीदवार बनाया, मैंने अभी चुनाव लड़ने के बारे में सोचा भी नहीं है, उनकी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ विधानसभा चुनाव की रही है। जम्मू और उधमपुर चुनाव खत्म होने के बाद वो विचार करेंगे। देश में कई सीटों पर दिग्गजों में मुकाबला हो रहा है, अनंतनाग से मेरी उम्मीदवारी पर इतना हंगामा क्यों, ये आजाद ने कहा है। आपको बता दें कि पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती अनंतनाग राजौरी सीट से मैदान में हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मियां अल्ताफ को चुनावी मैदान में उतारा है, तो डीपीएपी की तरफ से गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और उसको लेकर गुलाम नबी आजाद की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जम्मू और उधमपुर का चुनाव होने के बाद वो विचार करेंगे। सहमति के बिना डीपीएपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है, ये स्पष्ट किया है गुलाम नबी आजाद ने। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा है कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा के चुनावों की रही है, ना कि लोकसभा की। उनकी पार्टी ने उनकी अनुमति के बिना, उनसे पूछे बिना अनंतनाग राजौरी सीट से उन्हें अपना उम्मीदवार बना दिया, ये गुलाम नबी आजाद का कहना है। साथ ही साथ जब उनसे ये सवाल किया गया कि अनंतनाग राजौरी सीट से दिग्गज मैदान में हैं, तो उन्होंने कहा कि देश में कई ऐसी सीटें हैं जहां से दिग्गज एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर इतना हंगामा क्यों है, हालांकि मेरी पार्टी ने मेरी सहमति के बिना ही मेरे नाम की घोषणा कर दी और अभी तक मैं इस सीट पर ध्यान केंद्रित नहीं कर रहा हूँ और अन्य कामों में व्यस्त हूँ। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में इन संसदीय क्षेत्रों में मुद्दे बदल गए हैं और जब तक फॉर्म नहीं भर जाता और दस्तावेजों की जांच नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ नहीं कह सकता। यानी डीपीएपी सदर गुलाम नबी आजाद अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर अभी भी असमंजस की स्थिति में है। सर, ये सीट बहुत अहम बन चुकी है अपने आप में, क्योंकि समूचे देश में अगर देखा जाए 2 सीएम जो हैं आमने सामने होंगे। महबूबा मुफ्ती, आप भी फॉर्मर सीएम जो हैं वो रह चुके हैं, जम्मू कश्मीर के हालातों को अच्छे से समझते हैं, आप कैसे देखते हैं इस जो सबसे पहले मैं गलत फहमी निकालना चाहता हूँ, हिंदुस्तान में बहुत बड़ी बड़ी सीटें हैं और बड़े बड़े स्टॉलवर्ड्स इलेक्शन लड़ रहे हैं, आप इतनी इम्पोर्टेंस इस जगह को क्यों दे रहे हैं? और मैंने ये समझता है कि कोई इम्पोर्टेंस है, ये साधारण इलेक्शन है, कोई लड़ेगा। हमारी पार्टी ने भी हमारा अनाउंसमेंट किया है, हमसे उतनी पूरी कंसेंट लिए बगैर कर दिया है, अभी हमने उस पर माइंड अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि अभी मैं दूसरी जगह ही कैंपेन करना हूँ, वो भी मुझे देखना है कि मैं कैंपेन से उससे बाकी जगह से फ्री हो जाता हूँ कि नहीं। दूसरा ये भी देखना है कि मेरी प्रायोरिटी असेंबली इलेक्शन रहे हैं, तो उसमें भी देखना है कि इलेक्शंस आगे हमें लोकसभा हमारी प्रायोरिटी हो कि विधानसभा, उस पर बैठेंगे। ये चिनाब वैली का जो और उधमपुर कठुआ का इलेक्शन खत्म होगा, उसके बाद इस पर विचार करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ ये एक साधारण इलेक्शन हिंदुस्तान में, आपको किसने कहा इतने महबूबा मुफ्ती जो हैं उस सीट से जीत चुकी हैं पहले भी, दो दफा सांसद बन चुकी हैं। ये सीट से कोई आज तक नहीं जीता है, ये नई सीट बनी है, इसमें आधा कश्मीर है, इसमें आधा जम्मू है, लेकिन ये भी साधारण सीट है। इससे बड़ी बड़ी सीटें हिंदुस्तान में जहाँ प्राइम मिनिस्टर लड़ते हैं, जहाँ अमेठी है, रायबरेली है, वो इस तरह की बड़ी सीटें हैं जहाँ पीएम लड़ रहे हैं, होम मिनिस्टर लड़ रहे हैं, डिफेंस मिनिस्टर लड़ रहे हैं, कई चीफ मिनिस्टर लड़ रहे हैं। तो मैं चूंकि आप यहाँ जे एंड के लगते हैं तो आपको लगता है यही सबसे बड़ी। आपके सामने मियां अल्ताफ हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के महबूबा, हमारी पार्टी के सामने, वो देखें कौन होगा फाइनल, जिसमें अभी तो किसी ने फार्म नहीं भरा। मैं समझता हूँ कि जब तक फार्म इंसान नहीं भरे और सिक्योरिटी होता है तब तक किसी पार्टी के कौन कैंडिडेट होगा इसके बारे में नहीं है। कहा पहली दफा ये जो और अनंतनाग सीट आधा जम्मू और आधा कश्मीर है, और इसके साथ आपको लगता है कि इसके इश्यूज भी चेंज हो चुके हैं? इश्यूज तो जम्मू कश्मीर में सारे ही चेंज हो चुके हैं पिछले 5 सालों में, एक इशू नहीं है, सब बदल गए हैं। और मैं समझता हूँ कि जब तक फार्म नहीं भरते हैं और सिक्योरिटी में सब
कैंडिडेट क्लियर नहीं होते तो मैं नहीं समझता हूँ कि किस पार्टी का कौन कैंडिडेट है। सबसे बड़ा इशू क्या लगता है सर आपको? बहुत सारे इशू, एक नहीं है, दर्जनों। राजन रैद हमारे सहयोगी इसी खबर पर जुड़ गए हैं। राजन, जिस तरह से गुलाम नबी आजाद ये कह रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता विधानसभा चुनाव की है और अनंतनाग राजौरी सीट के बारे में उन्होंने अभी तक सोचा भी नहीं है, जब तक पर्चा नहीं भर लिया जाता वो कुछ नहीं कह सकते, तो क्या ये मान लिया जाए कि डीपीएपी अभी भी अनंतनाग राजौरी सीट को लेकर एक कंफ्यूजन की स्थिति में है, असमंजस की स्थिति में है कि क्या लास्ट मोमेंट पर कैंडिडेट को बदला भी जा सकता है? ये तो वही संकेत हुए। बिल्कुल जासमिन, आपने सही कहा, उन्होंने ये संकेत भी दिए और साफ कहा कि उनकी कंसेंट के बिना उनकी पार्टी ने जो है उनका नाम घोषित किया है, और इससे ये साफ संकेत मिलते हैं कि उनकी मंशा नहीं थी कि वो इलेक्शन कंटेस्ट करें, अगर और खास जो है इस अनंतनाग राजौरी सीट से वो कंटेस्ट करें, और उनका ये संकेत जो है ये साफ बताता है कि अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है डीपीएपी में, और उन्होंने ये यहाँ तक संकेत दे दिए कि अभी तक नॉमिनेशन फाइल नहीं हुआ है, स्क्रूटनी नहीं हुई है डॉक्यूमेंट्स की, तो तब तक कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। तो यहाँ तक ये साफ संकेत हैं कि कैंडिडेट बदला भी जा सकता है, और अभी तक क्या डीपीएपी अपना कैंडिडेट वहां से कंटेस्ट करेगी या नहीं, अब इस पे भी जो है असमंजस की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने साफ कह दिया है कि वो अभी उनका जो उनका फोकस है, कंसंट्रेशन है, वो जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे इसके बाद उस पे है, और अभी तक उन्होंने इस सीट पे जो है ध्यान ही नहीं दिया है। तो यानी कि आप एक देख सकते हैं कि एक तरफ उनका कहना है, एक हाइप क्रिएट की गई है कि जो है दो सीएम आमने सामने होंगे, जो फॉर्मर सीएम है वो आमने सामने होंगे, उनका कहना है कि देश में कई ऐसी सीट्स हैं जिसमें कई स्टारवर्ड्स जो हैं वो आमने सामने हैं, लेकिन इस सीट को ही जो है वो हाइप दी गई है, और अभी तक तो नॉमिनेशन ही फाइल नहीं हुआ है और स्क्रूटनी नहीं हुई है, तब तक जो है कुछ भी बात करना इस पे ठीक नहीं रहेगा, और उनकी पार्टी जो थी उन्होंने उनका कंसेंट नहीं लिया, तो ये साफ संकेत देता है कि अभी भी हम ये नहीं पक्के से कह सकते हैं कि गुलाम नबी आजाद कंटेस्ट करेंगे इस सीट से या नहीं करेंगे, अगर करेंगे तो अभी तक उन्होंने जो अपना कैंपेन है, पोल कैंपेन, उसकी शुरुआत नहीं की है अनंतनाग राजौरी में। तो ये तमाम जो है बातें संकेत देती हैं कि इस सीट पे अभी भी जो है डीपीएपी की तरफ से असमंजस की स्थिति बनी हुई है। जी जासमीन, बिल्कुल राजन, क्या ये कहना सही होगा कि जिस तरह के समीकरण बन रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, टोटली पॉलिटिकल एंगल से अगर देखा जाए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मियां अल्ताफ गुर्जर बकरवाल नेता हैं, काफी अच्छी पकड़ उनकी उस तरफ भी है, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती क्योंकि गढ़ ही रहा है पीडीपी का अनंतनाग राजौरी, और अगर विधानसभा की कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज देख ली जाए तो पीडीपी वहां पर काफी मजबूत भी है, ऐसे में डीपीएपी कहीं ना कहीं अपने आप को कमजोर आंक रही है, तो अपनी अपनी पार्टी के इतने बड़े चेहरे को वहां पर प्रोजेक्ट कर, क्योंकि अगर मान लीजिए गुलाम नबी आजाद एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, कांग्रेस पार्टी में रहे हैं दिग्गज पदों पर, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं जम्मू कश्मीर के, अगर मान लीजिए हाइपोथेटिकली अगर नहीं जीत पाते हैं, नहीं आगे बढ़ पाते हैं, तो फिर एक डीपीएपी के लिए एक बहुत बड़े धक्के के समान होगा, तो शायद इसीलिए पांव पीछे खींचने की बात। बिल्कुल जासमिन, आपने सही कहा, देखिए ये पहली दफा होगा कि जब अनंतनाग आधा जम्मू और आधा कश्मीर जो है दोनों सीट, दोनों रीजन्स के कुछ इलाके मिला के एक लोकसभा सीट को बनाया गया है, और इस पे गुलाम नबी आजाद ने एक बात बिल्कुल सही कही कि अभी तक जो नई जो डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट के बाद जो नई लोकसभा सीट बनी है इस पे अभी कोई भी कैंडिडेट आज तक जीता नहीं है, ये बात सही है, क्योंकि पहले जब महबूबा मुफ्ती जीती वो अनंतनाग के साथ जम्मू के इलाके नहीं थे, तो यहाँ पे जो सियासी समीकरण है वो बदले हैं इस सीट के, और उसके साथ साथ यहाँ पे पहाड़ी, गुजर और खासकर जो पीओजे के रिफ्यूजीज हैं, वो जो बेल्ट है वो रजौरी पूंछ में, वो काफी संख्या में हैं, लोग सिख कम्युनिटी के लोग काफी संख्या में हैं पूंछ में, और उसके साथ बनिस्पत जो अगर हम अनंतनाग में देखें तो मुस्लिम वोटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं। अब ये गुलाम नबी आजाद जानते हैं कि महबूबा मुफ्ती पहले से इस सीट पे जीती हुई हैं, अनंतनाग से जो उनका गढ़ है, उनका जो वोटर है, उनका जो कैडर है, जो बूथ लेवल पे एक तरह से कैडर होना चाहिए पार्टी का,
अभी तक डीपीएपी का वैसा कैडर उनके लिए टेस्ट होगा, उनके डीपीएपी के लिए पहला टेस्ट होगा, और पहले टेस्ट में ही गुलाम नबी आजाद शायद ने ये नहीं चाहते हैं कि उनके सामने वो दिग्गज नेता हों, और कहीं ना कहीं उनको अगर हार का सामना करना पड़ा तो उनके लिए सेटबैक होगा। उनकी पार्टी अभी जो है नई नई बनी है और उनके लिए आगे विधानसभा के चुनाव हैं। अगर यहीं से उनको अगर शिकस्त मिल जाती है तो विधानसभा चुनावों पे इसका इम्पैक्ट आएगा। लोग यही सोचेंगे कि जो डीपीएपी का जो क्रेज है, गुलाम नबी का जो क्रेज है, वो अब खत्म हो गया है। तो गुलाम नबी आजाद नहीं चाहेंगे कि लोकसभा इलेक्शन का जो भी रिजल्ट होगा उसका इम्पैक्ट जो है असेंबली चुनावों पे आए, क्योंकि असेंबली चुनावों में जो समीकरण है वो अलग होते हैं, इश्यूज अलग होते हैं। और गुलाम नबी आजाद ने यहां तक कह दिया कि पिछले 5 साल में तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इश्यूज ही बदल गए हैं, यानी कि जो इश्यूज पहले होते थे आज वो इश्यूज नहीं है, इश्यूज ही डिफरेंट हो चुके हैं। तो यानी कि वो चीजों को समझ रहे हैं, चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में सॉरी राजन, एक चीज और है कि अपनी पार्टी है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, भाजपा है, अभी तक अपने पत्ते, इनमें से भाजपा ने खास तौर पर अपने पत्ते नहीं खोले। कुछ ऐसी स्पेक्यूलेशंस भी हैं कि कहीं ना कहीं ये पार्टियां घाटी की सीटों पर एक साथ मिलकर चल सकती हैं, जिस तरह से अपनी पार्टी के नेताओं के साथ तरुण चुग की मुलाकात हुई है, तो क्या पीडीपी भी वहां पर अपनी संभावनाएं तलाश सकती है? शायद इसलिए भी ये बयान रेलिवेंट हो। बिल्कुल जैस्मिन, देखिए कहीं ना कहीं चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे कांग्रेस हो, तीनों पार्टियां एक बात कॉमन कहती हैं कि चाहे वो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, चाहे वो डीपीएपी है, चाहे वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस है, ये सब एबीसी टीम्स हैं। यानी कि लोगों में, वोटर में कहीं ना कहीं ये बात लेकर हर एक रैली में जो है ये बात कही जाती है उनकी तरफ से, और एक तरह से एक ठप्पा लगा दिया गया है इन पार्टियों पे कि ये जो है बीजेपी की ही प्रॉक्सी कैंडिडेट्स हैं। और उन्हीं अगर आपको सीधा मुकाबला कोशिश है करने की, या तो कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस वर्सेज पीडीपी हो जाए, या जम्मू रीजन में सीधे जो है बीजेपी वर्सेज कांग्रेस हो जाए। यानी कि यहाँ पे कोशिश ये है कि जो बाकी पार्टियां हैं, चाहे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी है, डीपीएपी है, इनको कहीं ना कहीं कंटेस्ट के बाहर कर दिया जाए, और लोगों में ये एक तरह से एक इम्प्रेशन दिया जाए कि अगर आपको जिताना है तो या तो आप जम्मू में जो है या कांग्रेस को जिताएं, या कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को जिताएं। इस तरह का एक तरह से मैसेज देने की कोशिश है, या पीडीपी को। तो इस तरह से इन पार्टियों को पहले जनता को ये समझाना है कि हम जो है अलग से, हमारी शख्सियत है पार्टी की, हमारी पार्टी के कैंडिडेट अलग हैं, हम जो हमारे जो इश्यूज हैं वो अलग हैं। और ऐसा इंप्रेशन अगर जाता है जनता में, क्योंकि जीएम सरूरी जो है वो जम्मू जो उधमपुर सीट से जो है कैंडिडेट हैं डीपीएपी के, और उनके लिए भी यही जो है कहना है कांग्रेस पार्टी का कि ये जो है ये बी टीम है बीजेपी की। तो ये जो ये ठप्पा है एक तरह से ये इस वक्त जो सियासी जो गहमा गहमी है इसकी वजह से जो तेज हो गई है। अब इन पार्टियों को पहले लोगों को ये यकीन दिलाना है कि अगर वो जीत के आएंगी तो वो किसी के प्रॉक्सी कैंडिडेट बन के काम नहीं करेंगे, बल्कि लोगों के इश्यूज के लिए और लोगों के हितों के लिए काम करेंगे अपनी पार्टी। बिल्कुल राजन, ये तमाम चीजें तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं और जो बयान आ रहे हैं वो अपने आप में कई उनके मायने हैं। और जैसा कि गुलाम नबी आजाद ने कहा कि उनकी सहमति के बिना उन्हें कैंडिडेट बना दिया गया है, विधानसभा चुनाव उनकी प्राथमिकता है, जब तक पर्चा नहीं भरा जाता फिर वो विचार करेंगे। तो यहां से एक नई बहस, एक नई स्पेक्यूलेशंस कश्मीर की राजनीति में छिड़ गई है। अपना सा बना के रखे राजन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए।